तो गाइस, आज मैं इस मोटर को अपडेट करूंगा जिसमें से मैंने पहले ही वायर को निकाल दिया है। ये 545 मोटर है। अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए, जिसके लिए मैंने ये 22 नंबर कॉपर वायर ली है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे जो इसका आरपीएम है कितना बढ़ सकता है और कहां तक कर ये काम करेगा, इसी चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। चलो शुरू करते हैं। इसमें हमने 22 नंबर का प्रयोग किया है। पहले मैं इस तार को इसके रूटर के ऊपर ही बेंड करके रखूंगा, क्योंकि जो आखिरी वाली स्लॉट है उसमें मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, जिससे जो मोटी तार है तो स्लॉट में फिक्स नहीं होती, तो मैं बताऊंगा वो आपको कैसे फिक्स कर सकते हैं उसे। इसमें हम 9 टर्म देंगे। 9 टर्म देने के बाद हम इसे इसका सोल तार के इसके स्लॉट में तार को फिक्स करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बहुत आसान तरीका है इस मोटर को बेंडिंग करने का, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है भी, आप इसे घर में कर नहीं सकते, बहुत आसान है। एक चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें, क्योंकि इसकी जो टर्म है, अगर एक 9 टर्म डाली है तो दूसरे स्लॉट में भी 9 ही डालनी है। ऐसे नहीं भी 8 कर दी 7 कर दी, वो काम नहीं करना, क्योंकि उससे जो इसका बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, मोटर का भी बैलेंस होता है। जो रूटर का कटर लगाए होते हैं वो उसका बैलेंस सही करने के लिए लगाए होते हैं। अभी हम इसकी बेंडिंग कर लेंगे। बेंडिंग करने के बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। इसे हम फुल अपग्रेड कर रहे हैं। इसके आरपीएम कम से कम 40,000 के आसपास होंगे, क्योंकि जो वायर नंबर मैंने लगाया है बहुत मोटा है। इसके बाद मैं आपको 20 नंबर तार से मोटर को की बेंडिंग करके दिखाऊंगा, फिर देखेंगे भी मोटर के आरपीएम कितने हो सकते हैं। अभी ऐसे देखिए, मैंने दूसरे स्लॉट में भी 9 टर्म दे दी है। जो आखिरी स्लॉट है उसे देने से पहले एक पीवीसी का टुकड़ा लेकर जो बेंडिंग हमने की हुई है उसे थोड़ा सा दबा के एक्यूरेट कर लें, उससे जो बेंडिंग है आसान हो जाती है। अभी हम इसकी बेंडिंग द्वारा करनी भी हो तो निकाल के कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। जब मैंने पहली बार बेंडिंग की थी तो जो मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने जैसे पहले बताया था, एक में मैंने 9 टर्म दे दी तो दूसरे में मैं भूल गया तो 8 ही दी। तो मोटर जब हम चलाते थे ना बहुत ज़्यादा कांपती थी, तो मैंने जब उसे दोबारा खोल कर देखा तो वही गड़बड़ हुई हुई थी, तो मैंने उसे दोबारा सेट किया। सेट करने के बाद मोटर इतनी स्मूथ चली, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी वो मोटर मेरे पास रखी हुई है, कम से कम 3 साल पहले की बात है, जब तो मेरा चैनल भी नहीं था। ये देखिए, जो फाइनल स्लॉट हम बंद करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हम 2 तारों को बिल्कुल इसकी सोल उतार लेंगे, उसके बाद इसे वहीं पे दोनों को पहले नीचे फिक्स करेंगे, उसके बाद सिंगल तार को ही स्लॉट में फंसाएंगे, उससे जो इसका स्लॉट है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि छोटा होता है स्लॉट तो 2 तार उसमें नहीं आती। ये देखिए, तो मैंने अभी फाइनल जो है मोटर का कर दिया, क्योंकि ये काम थोड़ा सा ध्यान देने वाला होता है, ध्यान से ही करें। ये देखिए, मैंने फाइनल कर दिया। अभी मैंने अभी मैं आपको इसे एक ड्रॉप एलपी का जो हमने ये सिंगल डोर जोड़ लगाया है इसके ऊपर डाल दिया है, उससे जो है कोडंग इसके ऊपर तैयार हो जाएगी एक, जिससे ये अर्थ नहीं होगी।
इसे मैंने फुल्ली अपडेट कर दिया है। अभी मैं आपको इसे चला के इसके RPM दिखाऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। आगे मैं और कोशिश करूंगा भी इससे भी अच्छी वाली वीडियो आपको बना के दिखाऊं। चलो अब हम इसे फिक्स करके मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये बिल्कुल नई मोटर थी जिसे मैंने मंगवाया था, विदाउट बैंडिंग मैंने मंगवाई थी ये मोटर। अभी बैंडिंग इसमें पहली बार मैंने ही की है और अभी हम इसे चला के देखेंगे इसके RPM कितने हैं और ये क्या काम आएगी। पहले हम इसे फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद ये अपने आप ही, जब इसे हम इसका कार्बन उठा देते हैं तो ये अपने आप फिक्स हो जाती है। इसके साथ धक्का करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम इसे इसके बीच आसानी से फंसा लेंगे और ये उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा भी इसके RPM कितने हैं और ये क्या काम आएगी, उसके बाद बताऊंगा आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अभी मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ आपको। ये अब मैंने फिक्स कर दिया इसे, अभी थोड़ी सी इसके साइड में हम LP को डाल देंगे, उससे जो मोटर को मुड़कर द्वारा काटना आसान होता है क्योंकि इसके बॉस में ना चली जाए LP। उसके लिए हम इसे एक मिनट के लिए ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद ये LP सूख जाएगी और मोटर परमानेंट फिक्स हो जाएगी। देखिए सूख गए LP। अभी हम इसका जो RPM है मैं आपको दिखाता हूँ कितना RPM जो है इसका है, और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको। अभी हम आपको इसके आगे टेप लगाएंगे जिससे आपको RPM का पता लग जाएगा भी हमने कितने इसके RPM इंक्रीज किए हैं। ये भी मैंने अपनी तरफ से फुल अपग्रेड कर दी है, आगे आप खुद बताएंगे भी आपको कैसी लगी वीडियो। ये देखिए अभी हम इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। ये मैंने फुल अपग्रेड कर दिया है मोटर, और आपका भाई एक लाइक मुझे थोड़ी सी हिम्मत देता है, ज़रूर करें और एक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।